नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी एक बार फिर आपके बीच में एक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेकर, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा राजयोग के बारे में और दुर्योग के बारे में। जो एक मिथ बना रहता है आप लोगों ने अपने दिमाग में, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। मेरे से कुछ एक दो मेरे व्यूअर्स ने कही भी थी व्हाट्सएप पे, जब उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोली थी सर ये सारे जैसे हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा राजयोग है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 70-80-90% लोगों की कुंडली में राजयोग लगे होते हैं, सूर्य बुध को बता दीजिए, ये नॉर्मल योग है आज के उसमें, और लक्ष्मी नारायण योग नॉर्मल ही हो गया। पर कई बार लोगों को इनका फल नहीं मिल पाता। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, राजयोग का फल जब भी मिलेगा वो दशा है, अंतर दशा प्रत्यंतर से, मतलब दशाओं में ही मिलते हैं इनके फल। कि मान के चलो गुरु के साथ अगर चंद्र की दशा आ गई, चंद्र के साथ गुरु की दशा आ गई, प्रत्यंतर आ गया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। और कुछ इनकी एक पर्टिकुलर एज भी होती है अपनी अपनी ग्रहों की। और अगर हम बात करते हैं राजयोग के में, तो सबसे पहले बता दूं कि लग्नेश जो होता है अगर वो आपका पावरफुल है, यानी कि लग्नेश आपका केंद्र में त्रिकोण में कहीं भी बैठा है या पराक्रम स्थान में बैठा है, तो व्यक्ति मेहनत करके अपने राज्य को घटित करता है। और जब लग्नेश भाग्य में बैठा है तो भाग्य से बहुत धन कमाता है, जीवन बहुत तरक्की करता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। पर हाँ, लग्नेश अगर 6-8-12 यानी त्रिक भाव में चले जाते हैं, यानी 6-8-12 में, तो ये बहुत ही बेकार, तो मैं इसको नहीं कहूंगा आज के उसमें। क्योंकि व्यक्ति जब भी लग्नेश 6-8-12 में होता है, उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, संघर्ष उसको स्कैंडल्स आएंगे उसकी लाइफ में, परेशानियां डेफिनेटली आएंगी, पर वो उनसे आगे, उन मुसीबतों से लड़के आगे पहुंच जाता है। तो एक ये सबसे अच्छा साइन है कि लग्नेश 6-8-12 में होता है। पर हाँ, वो राजयोग के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, हो सकता है उसको एक काम में हाथ लगाता हो, पूरा नहीं हो पाता हो, और फिर उसको अपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लाने पड़ते हैं। जब लगने 6-8-12 में होता है, उसके काम बिगड़ते बनते रहते ही है, उसके साथ ही जीवन में लगा रहता है, और ये नॉर्मल सी चीज है। पर हाँ, लगने से अगर अस्त भी हो जाता है तब भी राजयोग का फल नहीं मिल पाता। लगने से अगर राहु केतु के एग्जिस्ट में आ जाता है तब भी उस तरीके के फल नहीं मिल पाते। और राजयोग कई बार राहु केतु एग्जिस्ट में आ जाते हैं तब भी फल नहीं मिल पाते। राहु केतु के अंडर में अगर लग्नेश आ जाए, लग्नेश के साथ राहु केतु हो, या लग्नेश 6-8-12 में हो, या राजयोग 6-8-12 में हो, तब भी वो उन उनका जो 6-8-12 भाव बेकार। देखो, हर भाव में अच्छी क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलेगी और बुरी क्वालिटीज भी है। पर लग्ने जब 6-8-12 में होता है, तो मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि व्यक्ति को डेफिनेटली संघर्ष अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रहता है उसकी, पर वो डेफिनेटली आगे भी बढ़ता है, ग्रोथ तो उसकी धीरे धीरे होती जरूर है। आज के उसमें अगर मैं देशकाल परिस्थिति हमेशा लगाता हूँ कुंडली देखने में, इतना याद रखना, अगर आप देशकाल परिस्थिति लगाते हैं तो वो चीज अपन को चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। जब राजयोग अगर आपके 6-8-12 में बनते हैं, तो उनका जो पूर्ण प्रभाव है, जो अच्छा प्रभाव है, वो थोड़ा सा वीक होके आ सकता है। और हाँ, राजयोग हमेशा इतना याद रखना कि डिग्री में बहुत डिपेंड रहता है। कि मान के चलो जो सूर्य बुध का बुध को बनना है, कितनी डिग्री के अंदर बनना है, 10 डिग्री से ज्यादा बनना है तो उस तरीके के फल नहीं आ सकते, 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री के अंदर है तो उस तरीके के पूर्ण प्रभाव आ सकते हैं। और मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा दुर्योग के बारे में। देखिए, दुर्योग आज के उसमें अगर मैं देश काल परिस्थिति लगाऊं, तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का जो राजा है वो है राहु। राहु बुराइयों को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी बुरे काम आजकल चल ही रहे हैं, अधिकतर बुरे कामों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपने देखा होगा। तो बुरे जो दुष्ट, जैसे अपन दुर्योग जिसे कहते हैं, वो दुर्योग ही सब राहु केतु से ही बनते हैं। तो आज के उसमें जिनकी भी कुंडली में गुरु राहु के चांड डाले हो गए, मैंने ऐसे ऐसे देखे, मैं सही बता रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल चीज देखी है। दुर्योग आपके अपनी कुंडली में उठा के देखना, गुरु राहु का व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, बहुत समझदार होगा, व्यापार में होगा तो बहुत ऊंचाई प्राप्त करेगा धीरे धीरे। पर हाँ, दुर्योग जब भी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, मैंने अक्सर ये चीज देखी दोस्तों कि व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा होता है उसकी, एक समाज में कह सकते हैं कि अच्छी एक छवि हो सकती है। पर हाँ, उसके शत्रु हमेशा उसको परेशान करते हैं जब भी दुर्योग होता है, हो सकता है। देखो राजयोग तो देखो कहीं ना कहीं अच्छाई की भी जरूरत है तो बुराई की भी। अगर अच्छाई है, राजयोग राजयोग आपको दे सकता है, किसी के अंदर एक भावनात्मक स्वभाव दे सकता है, किसी की मदद करने वाला इंसान बना सकता है, वहीं दुर्योग इंसान को गलत कामों की ओर प्रेरित कर सकता है। यानी अगर ये दुर्योग वैसे भी अगर 6-8-12 में हो जाए तो और ही दिक्कत है, कुछ इस तरीके का हाउसेस में हो जाए जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, किसी ऐसी राशि में हो जाए, जैसे वृश्चिक राशि में गुरु राहु का चांड है तो किसी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी की भी वो डाल सकता है, क्रिमिनल्स भी कुछ इस तरीके के अपन साइन देख सकते हैं। पर वो ओवरऑल कुंडली देखनी पड़ती है। पर हाँ, अगर आज की मैं बात करूँ तो मैं दुर्योग को भी बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूँ, दुर्योग को भी पावरफुल समझता हूँ, क्योंकि देश काल परिस्थिति लगाऊं और राहु में इतना सामर्थ्य है कि वो अच्छाइयां बुराई आपको दे सकता है, ऊंचाइयां भी दे सकता है और नीचाइयां भी दे सकता है। और अगर मैं बात करूं अंबानी जी की, ये बहुत जितने भी अमीर लोग हैं, बिल गेट्स वगैरह, इनका भी कहीं ना कहीं लाइफ में, देखो इनको अपन ऐसे नहीं कह सकते, इनकी लाइफ में अपन झांक के देखते नहीं, इनकी जीवन में अपन इनसे मिले नहीं है और इनसे
इनके साथ अपना उठना बैठना नहीं है कि इनकी लाइफ में कभी अप एंड डाउन नहीं आता। अप एंड डाउन आता होगा, इनको भी बहुत कंपनी के लॉस होते हैं, ये बात सत्य है। प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है, तो ग्रहों का प्रभाव सारे मानव जाति पर होता है 101%, और ये हमारे ऊपर होता है कि हम हाथों से उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कर्म सबसे प्रधान है, मैं भी मानता हूँ एस्ट्रोलॉजर के होने नाते, पर ग्रहों का प्रभाव भी बहुत जरूरी है लाइफ में, और ग्रहों से सारी क्रियाएं होती है जीवन में। दूसरी एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुर्योग भी इंसान जैसे गुरु राहु के चांडाल हो गए, बहुत ही अच्छा ज्ञानी हो सकता है, उस बहुत समझदार हो सकता है, अपने आप को समझदार मानता हो सकता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा अपने आप में अपने एटीट्यूड उसको प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके के। फ्रेंड बड़े बड़े लोगों से, अपने नेता लोगों से या पॉलिटिशियन लोगों से उसके बहुत अच्छे कांटेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकता है। गलत कामों से धन कमाने के उसका माइंड जा सकता है अगर बुरे भावों में, और यही अगर राजयोग भी है तो उस तरीके की प्रभाव अगर अच्छी डिग्री में है, डिग्री वाइज। हाँ, ये दुर्योग भी डिग्री वाइज में ही डिपेंड है, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, राशि वगैरह। तो मैं आपका ये मिथ क्लियर कर दिया है, और अगर इस आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग भी हैं, और देखो कुंडली चाहे मेरी हो चाहे कितने भी लोगों की, 99.9% कुंडली में अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं। इंसान जीवन में आया तो उसको अच्छाइयां भी मिलेंगी जीवन में, बुराइयां भी मिलेंगी, तो दोनों चीजें साथ बैलेंस में चलती हैं जीवन में। हमेशा अच्छा समय नहीं होता, हमेशा बुरा समय नहीं होता, याद रखना। और अगर आप ऐसी बात करते हैं कि घरों का, तो मुकेश अंबानी जी के जो भाई थे अनिल अंबानी आई थिंक, उन पे भी आपको पता होगा उनके साथ भी कोई केस हुआ था जिसमें उनको बहुत लॉस हुआ था। तो ये 100% है कि लाइफ में हमेशा ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, कर्म करना हमारे ऊपर है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, वो हमारे हैं। कर्म हमारा है, भाग्य भगवान ने दिया है, जो भाग्य लेके आए हैं बचपन से जो पैदा होके वो हम ऊपर से लेके आए हैं, ठीक है। पर जो हम कर्म करके अपना भाग्य को तैयार करते हैं आने वाले टाइम के लिए और अभी के टाइम के लिए, वो हमारे हाथ में होता है। तो ग्रहों का भी प्रभाव होता है, किस्मत भी साथ होनी चाहिए और कर्म भी, तीनों की जरूरत होती है। तो मैंने आज आपकी बिल्कुल मिथ क्लियर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर, एंड चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके ऊपर एक और टॉपिक बनाऊंगा कि किस भाव में कैसा दुर्योग, किस भाव में कैसा राजयोग कितना अच्छा फल दे सकता है। जब तक लिए बहुत बहुत